अरे गेटमैन, इनका रूम जितना बढ़िया है, इतना बढ़िया रूम तो मुझे भी नहीं मिला यार। मैं यहाँ 8 साल से सुपरवाइजर हूँ, मुदीर हूँ, लेकिन कफील ने इनके लिए रूम बहुत बढ़िया भेजा है। बहुत अच्छा रूम है। आ जाओ मटेलू, नंगू आ जाओ, आओ रूम देख लो। अरे सर, ये लोग किधर चले गए? हैं? पीछे पीछे तो आ रहे थे, कहाँ चले गए सर? जाओ जाओ लिवा कराओ, जाओ जल्दी करो यार, मेरे पास टाइम थोड़ी है। उनको रूम दिखा देता हूँ, पसंद आ जाएगा तो हो सकता है मान जाए, स्ट्राइक खत्म कर दें सब। जाओ जाओ लिवा कराओ। ओके सर। एक बात तो माननी पड़ेगी, इन चारों बंदों में बहुत दम है। इतना खुरूज की धमकी देने के बावजूद डरे नहीं सब, हाँ? किसी को ड्यूटी नहीं जाने दिया। अब देखो क्या होता है इनका। कफील नाराज हो गया है, खुरूज लगाने के लिए बोल रहा था, पता नहीं किधर चला गया। देखते हैं क्या करता है। कहाँ रह गए थे यार? चलो नंगू इलेक्ट्रीशियन, तुम बहुत ढीले आदमी हो यार, काम बहुत अच्छा करते हो लेकिन बाकी कामों में बहुत पीछे रहते हो। चलो चलो रूम दिखाता हूँ तुम लोगों को। क्या सर, अब रूम देखने का क्या फायदा है? दिल नहीं कर रहा है देखने को। जब क्रूज लग जाएगा, घर जाना है, तो फिर रूम देख के क्या करेंगे? अचार डालेंगे क्या रूम का? अरे एक बार देख तो लो यार, तुम लोगों ने उसी लिए स्ट्राइक की थी कि रूम दिलाओ रूम दिलाओ रूम दिलाओ, शुरू से ही बोल रहे थे। अब आ गया है तो कम से कम देख लो, चाहे भले मत रहना उसमें, हाँ घर जाना पड़ेगा तो पड़ेगा यार, अभी जितना टाइम हो कम से कम रूम देख लो अपना। चलो देख लिया जाता, देख लिया जाता शद्दाद की जन्नत कैसी है। आओ आओ आओ। अबे रुको बे कुल, ए रुको कुल, महू आवत हां। आगा मऊ जी आ रे, का कुल रुमो देखा खाती भागे चले जाते। अजी नानो किस्मत देखो, का किस्मत पायन कुल, 3 महीना से रूम 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 चिल्लात रहन, नाई मिलत रहा। आज एग्जिट लगा वाला घर जाए वाले हर कुल तो रूम सेट हो गया उनन का किस्मत। ओ भाई हो, तुम 3 साल से हो हमारे साथ में, सठिया गए हो क्या आज? अरे तुमको पता नहीं है तुम्हारी भाषा हमको समझ में नहीं आती है। अजी चाट तुम्हारे और के आ गए ना, उनकी बोलिया सुनत सुनत ना, जबनिया फिर से चढ़ गई, इतना दिन से बुलाने रहे अपनी बोली। क्या? कुछ नहीं, चलिए रूम देख के आते हैं उन लोगों का। ताल ये कैम्बोस, ताल है ना, ताल। नाम या मुदीर, ताल माना ताल। आई वाह आई वाह। देख लो भाई लोग, देख लो यही है रूम तुम लोगों का, एक नंबर का बेस्ट रूम है। ऐसा रूम तो मुझे नहीं मिला, मैं 8 साल से यहाँ मुदीरी कर रहा हूँ। अबे भाईवा कुल, रूम तो बहुत तगड़ा मिला बेतुनन के। अबे मैं 3 साल से हूँ, अबे पूरी कंपनिया में केहू का रूम इतर का नहीं खा, चाहे वो मुदीर हो चाहे लेबर, गजब का रूम दिए से यार कफिलवा। अबे अगर मौका इतना बढ़िया रूम मिल जाता ना, खुशी के मारे उछड़ा लगते हैं 2-2 फुट ऊपर। अतुनान का एकदम मुंह गिरा, गजब के अबे कुल, इतना बड़ा रूम इतना बढ़िया, एसी एकदम नई नई, देखा दे 4 ठो रख रहा के 8 ठो बेड लगा। अबे कब ऊपर सुतो कभी नीचे सुतो, कभी ऊपर सुतो कभी ऊपर सुतो, अबे गजब मजा आई है तुनन के, काहे नहीं खुश होते बे? का बो अबे कुछ बोलते काहे नहीं कुल, रूम अच्छा नहीं था हां? अबे एक नंबर का बेस्ट रूम है, मजाक नहीं करता हूं। अबे अब रूम मिला का कौन फायदा है? जब खुरुजा लग जी है तो रूम का फोटो खींच के ले जावा जी घर दिखावा खाती। देखो कुल अखरिया दिन ना हमन के इतना बढ़िया रूम मिला रहा, 4 ठो रे खाती, 8 ठो बेड लगा रहा, एसी एकदम नई रूम वहाँ, अबे महका का एकदम गुलाब के फूल की तर है बकलोला ही बतियावत है। अरे भाई वो मत बुला ही गए रहे भाई कि तुम्हारा खुरुज लगा वाला, सॉरी सॉरी सॉरी। चलो देख लिए ना कुल कम से कम कि अगर रहते खुरुज नहीं लगता तो इतना बढ़िया रूम मिलता। चलो खैर अब क्या कर सकते, मैंने इतना समझाया इन लोगों को कि हड़ताल खत्म कर दो हड़ताल खत्म कर दो, सैलरी तो मिल ही जाएगी आज नहीं तो कल, कहाँ भागी जा रही है कंपनी, लेकिन नहीं हम लोग मानेंगे ही नहीं, जब तक पैसा हाथ में नहीं मिलेगा हड़ताल खत्म नहीं होगी। तो लो झेलो, रूम आ गया लेकिन पता नहीं अब रहना है कि नहीं रहना है, आगे क्या होगा ये तो कफील ही जाने। हाकिमे वक्त भी हम पर गजब एहसान करता है, हाकिमे वक्त भी हम पर गजब एहसान करता है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, ये मुशायरा होता है, मुशायरा होता है, अमन के जाए की खुशी में तो वाह वाह करते। अबे जाऊन मुक्का मारा हूँ कि नहीं, हालांकि आप अब्बा फफिया फट जी है। अरे भाई साहब नाराज हो रहे हैं क्या? आपकी बात तो समझ में नहीं आई लेकिन लहजे से लग रहा है कि गुस्सा हो रहे हैं। अरे भाई वो शेर सुना रहे थे तो हमने वाह वाह कर दिया है, इसमें हमने गलत क्या किया है? अतारे है खुजलिया है शायर की पहुंच, यहाँ देखा था मुसीबत पड़ी है अतः शायरी सुनावत है, दिमाग बाउल का वाका रे। अबे जो हालात है ना वही हालात पर शेर सुनावत रहा हूँ, पहले सुन तो ले तब ना समझ में आई है, कौन हंसी मजाक वाला शेर थोड़ा रहा।
अच्छा चल चल अब ना दे तो पूरा करके हटबे। सुना सुना देखो कई तरह का शेर सुनावत है कि हाकी में वक्त भी हम पर गजब एहसान करता है, हाकी में वक्त भी हम पर गजब एहसान करता है, आंखें छीन लेता है फिर चश्मे दान करता है। आवा समझ में कि मतलब वो बताऊं? बता दे कफिलवा के कहा तुम्हें शेरवा में कि पहले खुरुज लगावा की बात कर दिए सर बाद में रूम देता, वह शेरवा जैसे है कि आंखें फोड़ देता है फिर चश्मे दान करता है, मतलब आंख निकाल लो पहले ओके बाद चश्मा लगा लो, ले खूब बढ़िया दिखाइए वह हाल जब रहो के नहीं खा तो इतना बढ़िया रूम देवा का कौन फायदा। वाह 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 बहुत सटीक शेर सुनाए। अब जब रूम मिला एक आध घंटा खाती तो तनिकन बैठ उठ के चेक कर लो कुल गदवा देखो दबा तक नहीं स्प्रिंग वाला गद्दा तो बहुत मस्त है बे, जैसे ही चुतरा रखे वैसे ही दब गवा, बहुत बढ़िया लगा था स्प्रिंग लगी है। अगर यह रूम शुरू से मिला रहता अबे कितना सुकून से सुतते हम नहीं, अरे तो अगर शुरू से मिला रहता तो तीनों महीना खाती ना मिलता, उसके बाद तो हमन हड़ताल करवा करते हैं फिर छोड़ के जाए के पड़ता, का फायदा। चल अच्छा भवा अच्छा भवा कि मैं सुतते नहीं तो दिल लगा लगता ना तो बड़ी तकलीफ होती, अब चल के घर सुत्ता जी अपने अपने कमरे में। एक बात तो माननी पड़ेगी तुम लोगों में दम बहुत है, आखिरकार तुमने हड़ताल करके रूम मंगवा ही लिया, नहीं तो हम लोग इतना दिन से बोल रहे थे कि अरे भाई रूम सही करा दो रूम सही करा दो, आज तक किसी को ऐसा रूम मिला नहीं जो जिसमें एक बार चला गया उसी में रह रहा है छह छह सात सात साल से, लेकिन तुम लोगों ने हड़ताल करके एक बात तो मनवा ली अपनी रूम मंगवा लिया नया। चलो केहू का तो भला हुई है हमान के बाद जे आई है उनका मिली है बढ़िया बढ़िया रूम, बैठ का खूब लूडो और कैरम खेलिए खूब फैलाओ चाहिए तो बैठोगे ना खेल लिए छोटा मोटा बना के लकड़िया का, मैं तो कबड्डी खेल लायक है यार, अगर ई रूमो में हमन के रह रहते ना ढेर दिन तक मजा क्या करते हैं, डम्बल उम्बल मंगा कर बेड़वा के नीचे रखे रहते हैं भिन्नैया भिन्नैया उठ के पहले कसरत करते हैं एक घंटा ओके बाद ड्यूटी जाते हैं, बहुत बढ़िया रूम है यार खूब बढ़िया फैलाओ एक नंबर की कसरत होती है, जिम खोल लेते छोटा मोटा। हाँ अब जब नईखा मिला वाला के बारे में का सोच के है छोड़ जाए दे बैठ लिए ना कम से कम, ई रहिया कि गौवा में जाके कहा दी कि अबे हड़ताल करे रहे हैं, अबे सऊदी में हड़ताल कर कफिलवा का झुका दिया गवा मन भले खुरुश तो लगा दिए लेकिन रूम लियाओ के पड़ गवाओ का। ई बात तो है, दरअसल बात यह है ना तुम लोगों की हड़ताल करने की वजह से कफील का कम से कम 10 लाख रियाल का नुकसान हुआ है, इसी वजह से वो नाराज हो गया, अगर तुम लोग सिर्फ 4 आदमी हड़ताल करते बाकी लोगों को ड्यूटी जाने देते तो हो सकता था तुम्हारी बात भी मान ली जाती और खुरुज भी ना लगता, समझ रहे हो मैं समझा रहा था तुम लोगों को ना, बोला था ना कि बाकी लोगों को जाने दो तुम लोग बैठो हड़ताल पे, लेकिन नहीं तुम लोग जिद पे अड़े हुए थे कि किसी को नहीं जाने देंगे वही तुम लोगों के खिलाफ चला गया। अजी छोड़ो उकुल बात अब उकुल का कौन फायदा जन भावा तन भावा अब रोवा का बस कौन फायदा है, मैच खत्म होकर बाद बाजबाजी करस कौन फायदा मैच पलट जिया का कबे नंगू सही कहा तो ना मैं झारा के बाद बैठ गया कुल एक घंटा बती है अगर आऊ वाला कैच पकड़ा गवा रहता तो जीत गए रहते चौकवा नहीं गवा रहता तो 4 रन कम बना रहता हाउ छक्का मार दिया रहता, अबे तनिकन खाए रहता ना आधी रोटी और खाए रहता तनिकन जान लगा दिया रहता छक्का हो गवा रहता जीत गए रहते दूरन से, अबे जौन हो गवा तन हो गवा पलट नहीं सकते अब ऊपर बाजबाजी करे कौन फायदा हो नहीं। अबे भैया खुजलिया तो मिसाल तो बहुत बढ़िया बढ़िया देते रहते लेकिन तो गदावा गदावा कहते रहते हैं, अबे जे की जैसी अक्की रहती ना वही तरह का सोचत रहते अब जे गदहा उनके सब गदावन लगी है। अबे खुजली छोड़ यार उकल तामन की आपस की बात है अब ई है कि कौन फायदा है नहीं है बैठे से जब खुरुज लगा के है तो आज लगा दे आज फ्लाइट कर दे या अभियान तक फ्लाइट कर दे खत्म कर बवाल चला जा घर यहाँ बैठे से कौन फायदा नहीं समझे। सही कहते मुझे उसा सही कहते चलो भाई लोग तुम चारों को कफील बुला रहा है जल्दी चलो चले मुझे उठा लगा तो वक्त आ गवा लगा तो ठप्पा लगावा खाती बलावा था चल जल्दी चल जल्दी करो बहुत गुस्से में है चलो जल्दी। अरे रुको एक मिनट कैंपस किधर है कफील कहाँ पे है अपनी गाड़ी के पास है लेवा कर आइए इन लोगों को चलो नंगू चलो देखो क्या होता है चलो अब बैठने से कोई फायदा नहीं है चलिए सर चलिए 2 मिनट में आते हैं हम लोग आप लोग चलिए चल रे बाबा चल लगा तो कासिम बड़के बहुत कष्ट की याद करते ना मन का घर जाए की टाइम आ गई है केतनो के कहले की तकलीफ नहीं का खुरुज लगा की दिल्ला में तो मुहावा से नहीं निकलती खाली कि अब्बा कह लगे कारे बाबू डेरा गए मैं एकदम पक्का कह तो चारों के दिल्ला में बतिया हुई है कि काश की खुरुज नहीं लगता लेकिन कह नहीं सकते हैं। अरे भाई रंगू लिवा कराओ उन लोगों को जल्दी कफील जल्दी में है
आवत हो। चलो रे भावा को, चलो अपना अपना बैग उठाओ कुल और निकल लो। हो गई कमाई, लिया गवा आईफोन और जौन जौन सपना रहा कुल पूरा होगा तीनों महीना में। चल रे बाबू चल, बैठे का सोचा थे? अबे सोचा तो कि मोरे आईफोन पानी फिर गवा यार, रहते 6 महीना साल भर तो ले ना लेते हैं। अबे पूरा बानर है का आईफोन जो ना वाटर प्रूफ रहता, केतनो पानी फिर जियनो प खराब नहीं हो, ये समझे कि नहीं? अबे बानर था वो ललगड़िया चूतिया, कहीं के पानी फिर का मतलब ही थोड़ा कि हमें पानी घुस गवा, पानी फिर गवा मतलब ले ही नहीं पाए, गधा कहीं के। गजब बेइज्जती है, आखिरी दिन सऊदी में गजब बेइज्जती है। अबे नंगू तनिकन सऊदी के गद्दा पसूत के देख लेवा जा, मजा आवत ही नहीं। जहिया से आए अमन खाली हो मोटकी कलिनिया सुतत है, तनी एक बार गधो सुत लिया सऊदीया के। और काफिलवा बलावत लगी आगे, अब झपड़ियाव वैसे ही एग्जिट लगाओ वाला, देरी करबे ना थपड़ियाव दिए, समझे कि नहीं? चल अच्छा तुरंत चलो गुला गवा गवा, मैं 2 मिनट तनिकन पिठिया रख के आवत हो ना, तनिकन मजा ले लो सऊदी गद्दा की। चलो बेकुल हाँ तो खुजली आई बे ना उठ कर, तो अपनी पिठियों लेके आई बे सतवा में, गदवा पे छोड़ मत दे बे। बड़ा सुकून मिला यार, 3 महीना से एकदम भुइये सुतत सुतत पीठ दुखा गई रे, तनिकन आराम मिला। तो भाई बाकुल सब्सक्राइब करके रखो, मिला जाता देखो सऊदीया में या इंडिया में, अब देखो कहा होता कपिलवा लगा जाए पर। खुजलिया पिठिया लेके आई बे अपनी, बुला मत जीबे वही पर। अबे पूरा बिलल ले का पिठिया लगा तो कौन सामान है मरक के भुला जाइयो, गधा का इनके आवत हो।